अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं बना रही हूँ चिकन टिक्का स्टीम में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। मैंने सबसे पहले चिकन लिए है, तो उसके देखिए आपको नज़र आ रहा होगा, तो उसको मैंने पहले से गैशेज़ वगैरह भी लगा दिए हैं। तो सबसे पहले मैंने चिकन टिक्का और विनीगर जो है तो उसे मैंने लगा के रख दिया था 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था। तो उसके अलावा ये है, मुझे दही चाहिए, सिर्फ थोड़ा सा चाहिए, ज़्यादा नहीं। और ये अदरक लहसुन चाहिए, और ये है सोया सॉस है, नमक है, और इसमें है टिक्का मसाला, और ये है अजवाइन, ये कुटी हुई मिर्ची है, साथ में ये है रेड मिर्ची है, रेड मिर्चियों का पाउडर है, ये है चाट मसाला है, ब्लैक पेपर है, और सूखा धनिया है, और ऑयल यूज़ करेंगे थोड़ा सा, और ये फूड कलर ऑप्शनल है, आप डालना चाहते हैं ठीक है, ना हो तो कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मैंने पहले से ही वो कर दिया था, इसको मैरिनेट कर दिया था ताकि अच्छे टेस्ट अच्छा हो जाए, और विनेगर लगाने से आपको तो पता ही होगा कि ये आ जाता है, कुकिंग में आ जाता है। चलिए मैंने दही में जो है तो मसाले डाल लूँगी सारे। पहले से नमक यूज़ किया था, चिकन को लगा के रखा था, तो मैं थोड़ा सा ही यूज़ करूँगी, ज़्यादा नहीं डालूँगी, और साथ में ही थोड़ा सा मैं ऑयल भी डालूँगी। चलो मैं इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी, तो फिर मैं ये चिकन को लगा दूँगी, और ये लगाने के बाद भी हमने कम से कम 1 या 2 घंटे मैरिनेट कर देना है चिकन को। अब मैं चिकन भी लगा दूंगी। मैंने अच्छी तरीके से चिकन को मसाला दे दिया है, तो ये मैं अभी 2 या अगर आप ओवरनाइट आप इसको रखें तो वो ज़्यादा अच्छा होगा, तो लेकिन ये है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है, तो मैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 घंटे दे दूँगी। तो चलिए हम 2-3 घंटों के लिए हम इसको फ्रिज में रखते हैं, तो फिर मैं आपको अपना प्रोसेस बताती हूँ। चलिए अभी 2 घंटे गुजर गए हैं, तो मैंने एक स्टीमर लिया है, तो मैंने उसमें पानी डाला है, तो उसके ऊपर मैं रख दूँगी स्टीमर, रख दूँगी इसके ऊपर मैं भी चिकन को रख दूँगी। आप चाहे तो आप स्टीम के बगैर भी बना सकते हैं, लेकिन मैं स्टीमर में बनाऊँगी। चलिए मैंने ये चिकन को लगा दिया, तभी मैं इसको स्टीमर लगा दूँगी, तो ये हमारा स्टीमर लग गया, तो इंशाल्लाह भी देखते हैं, 1 आवर तो कम से कम देना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टीमिंग का। चलिए मैंने अभी स्टीमर माशाल्लाह इसको लग गए, 1 आवर इसको मैंने दे दिया था, तो अभी हम चेक करते हैं कि तैयार हुए। बिस्मिल्लाह, देखिए हमारा माशाल्लाह डन हो गया है। तो चलिए अभी मैं इसको थोड़ा सा कोयले का धुआं भी साथ में दे दूँगी। तो
इसको हमने धुआं दे दिया कोयले का, तो बस इसको ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट छोड़ेंगे, फिर उसके बाद ये मसाला डालेंगे। इसको हटा दें कि 10 मिनट हमने छोड़ा था। मैंने जो इससे मसाला रह गया था तो उसमें मैंने पोटैटो काट के तो उसको मैंने ऑयल में फ्राई कर दिया था। देखिए कितनी सॉफ्ट हो गई है, बिल्कुल हाथ के साथ जा रही है। डाइट के लिए बहुत बेहतरीन है, तो अगर आप चाहें तो आप इसको इस टाइम पे हल्का सा फ्राई कर लें हल्का सा ऑयल में, तो उसका ये बहुत अच्छा टेस्ट आता है। लेकिन ये है कि मैं थोड़ी डाइट के इश्यूज से नहीं कर रही। चलिए तो माशाल्लाह देखिए तैयार हो गया हमारा चिकन स्टीम टिक्का। तो ये है कि आप भी ट्राई करें, और ये राइस की रेसिपी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो ये मैंने साथ में मटर वाले पुलाव बनाया है, साथ में चिकन हो गई, तो आप भी ज़रूर ट्राई करें। और दुआ में याद रखें, अगर हो सके तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। तो चलें, अल्लाह हाफिज़।